जाने माने असमिया कवि नीलमणि फुकन को हाल में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। श्री फुकन ने असमिया कविता को एक नया मुहावरा और नया अंदाज दिया है। प्रगतिशील विचारधारा वाले श्री फुकन की कविताओं का असर बाद की पीढ़ी पर भी देखा जा सकता है। 1981 में श्री फुकन को उनके कविता संग्रह कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। असमिया, बांग्ला और हिंदी की अनुवादक और लेखिका पापोरी गोस्वामी सुना रही हैं उनकी कुछ कविताओं का अनुवाद। कविता का शीर्षक है एक नील उपलब्धि। उस विस्तृत शिलामय प्रांत में दबा हुआ है सबसे कोमल स्वर में गीत गाने वाला वो आदमी। हरे भरे खेतों के बीच से अपने हाथों को लहराता हुआ वो अब हमारे सर के ऊपर छाया बनने नहीं आएगा। राजहंस बनकर पानी में खेलती हुई परियों से छीन कर अब वो प्रकाश जैसी परम आयु हमारे लिए नहीं लाएगा। गले में फंदे डालकर झूलती हुई औरत की तरह अब उसकी आवाज की स्तब्धता में टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाता है एक विशाल अंधकार दर्पण हम सभी की भावनाओं के प्राणों पर। लोगों से भरपूर कस्बों और शहरों तक बहती हवा के हर झोंके पर सबसे कोमल स्वर में गीत गाने वाला वो आदमी। सबसे कोमल स्वर में गीत गाने वाला वो आदमी अल सुबह के सपनों की तरह उसकी आवाज उसकी गीतों के हर चांद और सूरज लाल फलों वाली झाड़ियों का हर पौधा अब हमारे अस्तित्व के अंधेरे गर्भ में एक नील उपलब्धि है। दूसरी कविता है वो शुक्रवार या रविवार था। वो शुक्रवार या रविवार था हवाओं ने छीन लिया था मुंह के सामने से संतरा सीने के अंदर महसूस कर रहा था मैं उसे कलेजे पर धक्का देती हुई सीने के अंदर महसूस कर रहा था मैं जैसे कलेजे पर धक्का देती हुई एक लाल रंग में रंगी हुई नदी रुक गई थी। दरख्तों के सामने कांपता हुआ लटक रहा था उस शाम जलकर राख होती हुई आत्मग्लानी। वो शुक्रवार था या रविवार दर्पणों में प्रतिध्वनित हो रही थी टूटे हुए तारों की चीखे। अगली कविता है रजस्वला मैदान पार करके तुम। रजस्वला मैदान पार करके शायद अब तुम बहुत दूर पहुंच गई हो। रजस्वला मैदान पार करके शायद अब तुम बहुत दूर पहुंच गई हो। पिंजरे में बंद है तुम्हारी वो चीख। पिंजरे में बंद है तुम्हारी वो चीख किसानों के बीच किसी बात को लेकर कोहराम है और अभी अभी जैसे कुछ घट गया खिले हुए गुलाब के फूलों में चकित करने वाली निस्तब्धता है। क्या कोई जवाब मिला तुम्हें? यह अगली कविता का शीर्षक है क्या कोई जवाब मिला तुम्हें। क्या कोई जवाब मिला? अपने ही खून में खुद को तैरता हुआ क्या देख पाए? ये भी है एक तरह से चरम अनुभवों का क्रूर उद्दीपन। जीवन के साथ जीवन का अप्रत्याशित भयानक रक्त रंजित साक्षात्कार। क्या वापस पाया खुद को? तुम्हारी पास, तुम्हारी प्यास, तुम्हारा शोक।
डरे हुए भूखे अनाथ बच्चों की आंसू भरी आंखों को क्या कोई जवाब दे पाए तुम? क्या कोई जवाब दे पाए तुम? क्या अपने खून में खुद को तैरता हुआ देखा तुमने? क्या अपने खून में खुद को तैरता हुआ देखा तुमने? बहुत समय बीता, बहुत समय, हे परित्रिप्त मानव। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।